हेलो एवरीवन, लेट्स ऑल स्टार्ट आवर कैमरास। अपने अपने कैमरा शुरू कर ले। कीप अ बिग स्माइल ऑन द फेस, चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट रखे। वेलकम एवरीवन फॉर दिस डेमो योगा क्लास। आप सभी का स्वागत है इस डेमो योगा क्लास में। इफ़ यू आर नॉट एबल टू हियर, कभी आपको आवाज़ नहीं आ रही है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन ऑन यूट्यूब। ओके, इफ इट, लेट मी जस्ट पुट इट ऑन द चैट एज वेल। Join on YouTube. Okay. So very simple instruction, बहुत simple instruction है। First do as much as possible, जितना होता है उतना करें। Second instruction do it with a smile, smile के साथ करना है, ठीक है? ज़्यादा नहीं करेंगे हम, demo class है, आराम से जितना possible होगा उतना करेंगे, ठीक है? Clear everyone? Show me thumbs up. Very good, very nice. Now very important. हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर, जो पहली बार कोई मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं या फिर डेमो क्लास रेगुलर क्लासेस में नहीं हो, ऐसे कोई है जो रेगुलर क्लास के नहीं है बट जस्ट डेमो क्लास के लिए आए हुए हैं? पुट वाई इन द चैट और समथिंग लाइक दैट। इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ रेगुलर क्लास एंड यू जस्ट कम टू चेक द डेमो क्लास, तो यू कैन पुट वाई इन द चैट, यस और वाई समथिंग। वेरी गुड, बेसिकली दैट मीन्स यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन सीइंग कि कैसे करना है योगा, एंड मेरा क्लास जो है आपको कंफर्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, ओके, वेरी नाइस। चलो, सो विल स्टार्ट, सिंपल रखेंगे आज और एंजॉय करते हुए करेंगे, ठीक है? चलो, लेट्स क्लोज आर आईज, आंखें बंद कर ले। वी विल चैंट ओम 3 टाइम्स, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन फॉर ओमकार। ब्रीद इन, एंड रिलैक्स, विश्राम करी। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट एंड स्लोली ओपन योर आईज। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। वेरी गुड, विल लर्न भस्त्रिका प्राणायाम। कोई कोई लोग को ऑलरेडी आता होगा, फिर भी जिसे नहीं आता है, विल सी दोज हू कैन सिट इन वज्रासन। आप लोग वज्रासन में आ जाए, जिसे वज्रासन बैठ सकते हो, जिसे कुछ पैरों का प्रॉब्लम है, अवॉइड दिस, ठीक है? चलो, लूज फिस्ट नेक्स्ट टू योर शोल्डर्स, कोनिया पास में है, ठीक है? हल्की मुट्ठियाँ कंधों के बगल में। टेक अ नॉर्मल ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। ब्रेथ इन, टेक योर हैंड्स अप, ओपन योर फिस्ट, ब्रीद आउट फोर्सफुली टेकिंग योर हैंड्स डाउन। इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन सिक्स, इन सेवन, इन एट, इन नाइन, इन टेन, इन इलेवन, इन ट्वेल्व, इन थर्टीन, इन फोर्टीन, इन फिफ्टीन एंड रिलैक्स, विश्राम करें। आंखें बंद कर लें। विल डू 2 मोर राउंड्स बट विथ आईज क्लोज। प्राणायाम आंखें बंद करके करें तो ज़्यादा फायदा होता है। इट इज मोर बेनिफिशियल इफ यू कीप योर आईज क्लोज। लेट्स गेट रेडी फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ द भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाए। लूज फिस्ट इन फ्रंट ऑफ योर शोल्डर्स, हल्की मुठिया कंधों के बगल में। टेक अ नॉर्मल ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट इन भस्त्रिका टुगेदर। ब्रेथ इन वन, इन टू, इन थ्री, इन
n, 5 n, 6 n, 7 n, 8 n, 9 n, 10 n, 11 n, 12 n, 13 n, 14 n, 15 and relax, vishram kare. हथेलियां घुटनों पर रख दे, आंखें बंद ही रखे, कीप योर आईज क्लोज्ड. ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग इन द बॉडी, शरीर में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति सजग हो जाए. गेट रेडी फॉर द थर्ड एंड द फाइनल राउंड. तीसरे राउंड के लिए तैयार हो जाए. भस्त्रिका प्राणायाम के लूज फिस्ट इन फ्रंट ऑफ योर शोल्डर्स, हल्की मुठिया को अंदर के बगल में. टेक ए नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. In Bhastrika, together, breathe in, 1, in, 2, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10, in, 11, in, 12 in, 13 in, 14 in, 15 and relax. Vishram kare, aankhein band hi rakhe. Aankhein band rakhte hue aaram se sukhasana mein aa jaye. Slowly come into sukhasana. Deep breath in and breathe out. And slowly open your eyes, धीरे से आंखें खोल सकते हैं. Very nice. See, भस्त्रिका प्राणायाम जो है ना, it is good to do it in the beginning of the yoga. क्यों? क्योंकि इससे थोड़ा सा है ना heat बढ़ जाता है. Energizing प्राणायाम है. जब energy मिल जाता है, then we can do all the asanas easily. So let's sit straight, सीधा बैठ जाए. And let's start going left and right. With a smile, smile के साथ करना है. Very good. पैरों को नहीं उठाएंगे, do not lift your legs. Keep your hand on the ground and stretch the other hand. Other side. Very good. जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से खींचे properly हाथ. Pull your hands out. Very good. Very nice. And relax. Vishram kare. Breathe in. As you breathe out, twist your body to the right side, look back. Breathe in, come forward. Breathe out, left side, look back. Breathe in, come forward. Breathe out, right side, look back. Breathe in, come forward. Breathe out, left side, look back. Breathe in, come forward and relax. हाथों को साइड में रख ले. And as you breathe in, take your hands up. Stretch your hands up, ऊपर खींचे. सीधे सी बाइसेप जो है कानों से टच है. ऐसा रखोगे तो सीधा नहीं होगा. Straight. Very good. Breathe in. As you breathe out, twist your body to the right side, jitna ho sakta hai utna, right side. Breathe in, come forward. Breathe out, left side. Breathe in, come forward. Breathe out, right side. Breathe in, come forward. Breathe out, left side.
कम बैक इन सेंटर एंड टेक योर हैंड्स इन द लाइन ऑफ द शोल्डर्स, कंधों के लाइन में लेके आ जाए. सी अपने बैक का बहुत प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लोग को, सो विल जस्ट डू अ लिटिल अमेजिंग आसना विच विल हेल्प इन द बैक पेन. ब्रीद इन, टेक योर हैंड बैक, ब्रीद आउट फॉरवर्ड, इन आउट, कंटिन्यू, इन थ्री, इन फोर, इन फाइव, इन सिक्स, इन सेवन, इन एट, इन नाइन, इन टेन, एंड शेक योर हैंड्स विद अ स्माइल ऑन द फेस. यार आप लोग बहुत सीरियस रहते हो, पता नहीं इतना क्या टेंशन है. थोड़ा थोड़ा टाइम सभी टेंशन छोड़ के योगा करेंगे स्माइल के साथ. सी योगा क्यों करते हैं हम? स्ट्रेस फ्री होने के लिए, या मेंटल पीस के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, वेट लूज के लिए, वेट गेन के लिए. देयर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ योगा, राइट? तो समझो कि मिल ही जाएगा, तो बिंदास होके करना है, ठीक है? वेरी गुड. एंड रिलैक्स, विश्राम करें. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एंड लेट्स कम इन अ कैट पोजिशन. कैट पोजिशन में आ जाए, प्रेफरेबली आप मोबाइल या डिवाइस सामने रखोगे, इजी होगा आपको, ताकि आपको साइड में देखने का जरूरत नहीं, ठीक है? ओके, ब्रीद इन, टेक योर नेक अप, मेक अ कर्व इन द बैक. ब्रीद आउट, चिन टू द चेस्ट, मेक अ हंप ऑन द बैक. ब्रीद इन, चिन अप, मेक अ कर्व इन द बैक. ब्रीद आउट, चिन टू द चेस्ट, मेक अ हंप ऑन द बैक. ब्रीद इन, चिन अप, मेक अ कर्व इन द बैक. ब्रीद आउट, चिन टू द चेस्ट, मेक अ हंप ऑन द बैक. कम इन सेंटर, सेंटर में आ जाए. नाउ रोटेट आवर हिप, हिप को रोटेट करना है. वेरी गुड, वेरी नाइस. रिवर्स सभी ने करना है. जिसे घुटनों का प्रॉब्लम होता है और दे कैन नॉट कम ऑन द नी, वो लोग कुछ समय विश्राम करें, जल्दी हम खड़े रहने के आसन करेंगे. रिलैक्स, विश्राम करें. ब्रीद इन, टेक द लेफ्ट हैंड अप एंड लुक अप. लेफ्ट हैंड की ओर देखना है, बाया हाथ को ऊपर लेके जाए और बाया हाथ की ओर देखें. एंड रिलैक्स, राइट हैंड. राइट हैंड को ऊपर लेके जाए, ऊपर देखे. एंड रिलैक्स, विश्राम करें. अपने हाथों को इस तरीके से रख दे, आर्म्स ऑन द ग्राउंड. वेरी नाइस. टेक द राइट लेग अप एंड स्ट्रेच अप. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन. रोटेट करें. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव. रिवर्स. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव. रिलैक्स. दूसरा पैर, लेफ्ट लेग स्ट्रेच. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन. रोटेट. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव. रिवर्स. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव. रिलैक्स. और धीरे से पीछे जाके शिशु आसन में विश्राम करें. ये बहुत ही बढ़िया और फायदेमंद आसन है जो सभी लोग कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी टू डू.
इससे पूरे बॉडी में रिलैक्सेशन मिलता है, मन शांत होता है, एंजाइटी दूर होती है। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट कंप्लीटली। ब्रेथ इन वंस अगेन एंड ब्रेथ आउट कंप्लीटली। स्लोली यू मे कम अप, ऊपर आ जाए। टक योर लेग्स, लिफ्ट योर नीज, अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड डॉग पोज। वेरी गुड। स्लोली टेक योर लेग्स फॉरवर्ड, दोनों पैरों को आगे लेके आए, दोनों हाथों के बीच में लेके आए, हस्तपादासन। वेरी नाइस। ब्रीद इन, टेक योर हैंड्स अप, स्टैंड अप, बेंड बैक एंड रिलैक्स, विश्राम करें। वील डू सम स्टैंडिंग आसनास नाउ। लेट मी जस्ट एडजस्ट माई कैमरा। हम कुछ आसनास खड़े रह के करेंगे। लेट स्टार्ट वॉकिंग, चलना शुरू करें। चलो 100% देना है, अभी आ ही गए हैं तो चलो 100% देके करेंगे विद अ स्माइल। वेरी गुड। वेरी नाइस। टेक योर लेग्स, मेक योर लेग्स वाइड अपार्ट, थ्रो योर हैंड्स आउट, गोरिल्ला वॉक। हाथों को ऊपर करना है, पैरों को भी ऊपर करना है, दूर दूर रखते हुए। थोड़ा और डिस्टेंस बनाए, मेक लिटिल बिट मोर डिस्टेंस। वेरी नाइस। कम बैक, रिटर्न आ जाए। नाउ विल टच आर एल्बो टू द अपोजिट नी, कंटिन्यू। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। टेन मोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। रिलैक्स, कीप वॉकिंग, चलते रहे। कीप ब्रीदिंग इन एंड आउट, सांस लेते रहे और छोड़ते रहे। वेरी गुड। नाउ टेक द राइट लेग आउट एंड टेक योर हैंड्स अप। इन, हैंड्स डाउन, लेफ्ट लेग। वेरी गुड। राइट लेफ्ट, वेरी नाइस। फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। एंड रिलैक्स, विश्राम करें। आराम से चलना है, वॉक स्लोली एंड ग्रेजुअली। नाउ डू नॉट लिफ्ट योर लेग्स कंप्लीटली, जस्ट लिफ्ट योर हिल्स। सिर्फ एड़ियों को उठाएंगे। वेरी नाइस। थोड़ा फास्ट, सिर्फ एड़ियों को उठा के वॉक लिटिल फास्टर। वेरी गुड। एंड रिलैक्स, विश्राम करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पैरों में थोड़ा डिस्टेंस बनाए, हैंड्स ऑन योर हिप्स,
एंड रोटेट आर हिप. वेरी गुड. फाइव रिवर्स. वन टू थ्री फोर फाइव. रिलैक्स. लेट्स डू द नेक रोटेशन. चिन टू द चेस्ट एंड रोटेट. वन टू थ्री रिवर्स. वन टू थ्री एंड रिलैक्स. हैंड्स ऑन आवर शोल्डर्स. एल्बोज टुगेदर एंड रोटेट. वन टू थ्री फोर फाइव. रिवर्स. वन टू थ्री फोर फाइव. एंड रिलैक्स. विश्राम करें. पैरों को पास में लेके आ जाए. स्टैंड स्ट्रेट एंड टॉल. ब्रीद इन ब्रीद आउट. Breathe in, take the right hand up, stretch up. As you breathe out, drop the left shoulder, look up at the right hand. Breathe in, come up and relax. Breathe in, take the left hand up, stretch up and drop the right shoulder, look up at the left hand. ऊपर देखिए लेफ्ट हैंड की ओर. ब्रीद इन कम अप एंड रिलैक्स. दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे इन नमस्ते पोजीशन. स्ट्रेच अप स्माइल के साथ. स्माइल भूल जाते हैं बार बार आप लोग. एंड एज यू ब्रीद आउट गो टू द राइट साइड. कीप स्ट्रेचिंग. Breathe in, come up. Breathe out, left side. सांसें लेते रहना है, छोड़ते रहना है. जनरली हम कोई आसन में जाते जो डिफिकल्ट है, वी होल्ड आवर ब्रेथ. तो होल्ड नहीं करना है, सांस लेते रहे, छोड़ते रहे. Breathe in, come up and relax. चलो we'll do something very interesting. ठीक है, हम एक ऐसा आसन करेंगे जो बैलेंस लाने के लिए अपने बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है. See, जैसे हम बूढ़े होते हैं ना, तो हमारा बैलेंस जाता है. जैसे छोटे बच्चे भी रहते हैं, हमारा बैलेंस जाता है, राइट? चल रहे गिर गए. बूढ़े होते तो भी वैसे ही होता है, चलते चलते गिर सकते हैं, कुछ हो सकता है. इसलिए बैलेंसिंग आसनास जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है करना, ताकि जैसे जैसे अपनी एज बढ़ते जाए हमारा बैलेंस ना बिगड़े. तो विल डू वृक्षासन. क्या करना है, सीधे खड़े रहे, स्टैंड स्ट्रेट. ठीक है, अब भी आपको कहीं अभी भी बैलेंस आपका जाता है तो आप दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं. बाय द वे, लिफ्ट द राइट लेग अप, कीप द राइट फुट ऑन द लेफ्ट थाई. फोकस एट वन पॉइंट. एक कोई भी पॉइंट के ऊपर फोकस करो सामने. इट विल बी ईजी टू बैलेंस. टेक योर हैंड्स अप इन नमस्ते पोजिशन एंड स्ट्रेच अप. एंड स्लोली रिलैक्स योर हैंड्स. हाथों को नीचे लेके आए एंड देन टेक द लेग डाउन. और फिर पैर को नीचे. वेरी नाइस. नाउ विद द अदर लेग, लेफ्ट लेग ऑन द राइट थाई. फोकस एट वन पॉइंट. ब्रीद इन, टेक योर हैंड्स अप, स्ट्रेच अप. टक योर टमी इन, थोड़ा पेट को अंदर कर ले. और सांसें लेते रहे और छोड़ते रहे. कीप ब्रीदिंग इन एंड आउट. Very good. And relax your hands. Relax your legs. Relax your legs. तेरे को विश्राम दे. Very nice. Now make some distance. थोड़ा सा distance बनाए पैरों में. बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है.
ठीक है, और पैरों को 45 डिग्रीज आउटवर्ड डायरेक्शन में ओपन करना है, ओपन योर लेग्स 45 डिग्रीज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, वेरी गुड। जिसे घुटने का प्रॉब्लम है वो लोग अवॉइड करें आसन, बाकी के लोग साथ में करेंगे। क्या करना है? ब्रीद इन, गो डाउन, टेक आर हैंड्स अप, कम अप, वन, गो डाउन, टू, डाउन, थ्री, डाउन, फोर, डाउन, फाइव, डाउन, सिक्स, डाउन, सेवन, डाउन, एट, डाउन, नाइन, डाउन, टेन, एंड रिलैक्स। लेट्स ऑल सिट इन मलासन। मलासन में बैठेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आसन बट वेरी पावरफुल। थोड़ा डिफिकल्ट है कुछ कुछ लोगों के लिए बट बहुत पावरफुल है। कैसे बैठना है मलासन में? गो डाउन, कीप योर बैक स्ट्रेट, सीधा करें अपने रीढ़ की हड्डी को, कीप योर हैंड्स इन बिटवीन द लेग्स एंड पुश योर लेग्स आउट, वेरी गुड। बड़ी सी स्माइल चेहरे पे, रीढ़ की हड्डी सीधी, नीचे नहीं करना है, सीधा। ब्रीद इन, टेक द राइट हैंड अप, लुक अप, रिलैक्स, लेफ्ट हैंड अप, लुक अप, रिलैक्स एंड स्लोली सिट डाउन, वेरी गुड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टेक द लेग्स क्लोजर टू द बॉडी, दोनों पैरों को पास में लेके आए। विल डू बटरफ्लाई पोजिशन, जो ऑलमोस्ट सभी को पता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट, होल्ड द लेग्स प्रॉपरली एंड टेक इट क्लोजर टू द बॉडी। सेकेंड, शोल्डर रिलैक्स, कंधे रिलैक्स्ड है। थर्ड, बैक रेक, रीढ़ की हड्डी सीधी, नीचे नहीं है, सीधा। छाती बाहर, पेट अंदर, टक योर टमी इन, ब्रीद इन एंड लेट्स स्टार्ट। स्माइल के साथ करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आसना का बेनिफिट भी ज्यादा आएगा इफ यू डू इट विद अ स्माइल। वेरी नाइस, एंड रिलैक्स, टेक योर लेग्स फॉरवर्ड, दोनों पैरों को सामने लेके आए, ब्रीद इन, एज यू ब्रीद आउट बेंड फॉरवर्ड, लोअर बैक से बेंड करना है। सी, डायरेक्टली गर्दन से नीचे जाओगे तो कर्व बन जाएगा बैक में, नॉट गुड। सामने चेस्ट को नीचे लेके जाए, वेरी नाइस। कोई कोई लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, जितना तो इतना, कभी आपका इतना जाता है तो इतना जाए, गर्दन नीचे नहीं करना है। नेक स्ट्रेट, कम अप एंड रिलैक्स, विश्राम करी, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, दोनों पैरों को सामने की ओर खोल दे, सीधा बैठे, बेंड द राइट लेग, विल डू अ वेरी पावरफुल आसना, राइट लेग को बेंड करे, टेक द राइट हैंड बैक, राइट हैंड को पीछे रख दे, सीधा करें रीढ़ की हड्डी को, बैक इरेक्ट, लेफ्ट हैंड एट द राइट साइड एंड ट्विस्ट, लुक बैक, पीछे देखना है, कीप ब्रीदिंग इन एंड आउट, ब्रीद इन, कम फॉरवर्ड, रिलैक्स योर हैंड्स, अदर साइड, लेफ्ट लेग को बेंड करे, लेफ्ट हैंड पीछे, टेक द लेफ्ट हैंड बैक, राइट हैंड ऑन द लेफ्ट साइड एंड लुक बैक, ट्विस्ट ऑन द लेफ्ट साइड, पीछे देखे, कीप ब्रीदिंग इन एंड आउट, सांस लेते रहे और छोड़ते रहे।
ब्रीद इन, कम फॉरवर्ड एंड रिलैक्स, और विश्राम करें. यू नो दिस स्ट्रेच बहुत अच्छा है डायबिटीज़ के लिए, प्री डायबिटिक लोगों के लिए, जिसे हार्मोनल इश्यूज है उनके लिए, ठीक है. तो PCOS, PCOD उन लोगों के लिए, विमेन के लिए, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट बट येट वेरी पावरफुल आसना, ठीक है. चलो अभी कुछ आसना लेट के कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, कुछ ही करेंगे, ठीक है. लाई डाउन ऑन अ टमी, अपने पेट के बल लेट जाए. वेरी गुड, लेट गए, ओके. नाउ अपने राइट पैर को ऊपर नीचे करेंगे, पूरा सीधा रखे. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स लेफ्ट लेग. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स, विश्राम करें. कीप योर हैंड्स नेक्स्ट टू योर शोल्डर्स, कंधे के बाजू में रख ले. एंड ब्रीथ इन, कम अप स्विंग्स पोज में, आर्म्स नीचे ही है. वेरी गुड, सामने देखिए स्माइल के साथ. अभी इस पोजिशन में जितना पेट आ रहा है ना नीचे तक, बेसिकली पेल्विक इज ऑन द ग्राउंड, उतना ही हमें भुजंग आसन में करना है. सो गो डाउन, कीप योर हैंड्स नेक्स्ट टू द शोल्डर्स एंड कम अप. भुजंग आसन में उतना ही. वेरी गुड, कंधों को कानों से दूर रखें. एंड रिलैक्स, दोनों हाथ सामने की ओर, बोथ द हैंड्स इन फ्रंट. ब्रीद इन, कम इन टू विपरीत शलभासन, सुपरमैन पोज. दोनों हाथ दोनों पैर हवा में, देखना करते आ रहा है तो ही करे, और यू कैन अवॉइड. एंड रिलैक्स, मकरासन में विश्राम करें. बेंड वन लेग, एक साइड का पैर बेंड करके रिलैक्स कंप्लीटली. एंड स्लोली यू मे टर्न ऑन योर बैक, अपने पीठ के बल आ जाए. जस्ट लास्ट 5 to 6 आसनास, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान से करना, अच्छे से करना, आलस्य नहीं, मुस्कुराते हुए विथ 100%. राइट पैर को ऊपर उठाए, लेट्स उसको ऊपर नीचे करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. लेफ्ट लेग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स, बेंड बोथ द लेग्स, दोनों पैरों को बेंड कर ले, अपने छाती के पास लेके आए. एंड लेट्स डू साइकिलिंग, साइकिलिंग करना है. वेरी गुड, अब साइकिलिंग करते हुए आंखें भी बंद रख सकते हैं. थोड़ा फास्ट करें. वेरी गुड, रिवर्स, स्लो बट रिवर्स, रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे बट स्लो. फास्ट रिवर्स में फास्ट करें. एंड रिलैक्स, अपने पैरों को छाती के पास में रखें. कीप योर लेग्स नेक्स्ट ऑन योर चेस्ट ओनली, होल्ड योर लेग्स, अपने पैरों को पकड़ ले. ब्रीद इन, एज यू ब्रीद आउट लिफ्ट योर नेक अप, पवन मुक्तासन.
रियली गुड आसना फॉर ऑल द डाइजेशन इश्यूज, गैस इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन, सभी के लिए बेस्ट आसना है ये। रिलैक्स योर नेक, गर्दन को नीचे रख दे एंड गो लेफ्ट एंड राइट, गिव ए नाइस मसाज टू आवर बैक। वेरी गुड, दैट्स इट। एंड रिलैक्स, दोनों पैरों को नीचे रख दे, थोड़ा सा डिस्टेंस बना ले पैरों के बीच में, हैंड्स इन द लाइन ऑफ द शोल्डर्स, कंधों के लाइन में हाथों को रख दे। ब्रीद इन, एज यू ब्रीद आउट ट्विस्ट योर लेग्स टू द राइट साइड, लुक ऑन द लेफ्ट साइड। ब्रीद इन, टेक योर लेग्स अप, ब्रीद आउट, टेक योर लेग्स ऑन द लेफ्ट साइड। कम अप, राइट साइड, लुक ऑट द लेफ्ट साइड, लेग्स ऑन द लेफ्ट साइड, लुक ऑन द राइट साइड। ब्रीद इन, कम अप एंड रिलैक्स योर लेग्स, पैरों को सीधा कर ले, हाथों को शरीर के बाजू में रख दे, कीप योर हैंड्स नेक्स्ट टू द बॉडी एंड आईज क्लोज्ड, आंखें बंद। योगा सेशन के बाद में रिलैक्सेशन करना बहुत ज़रूरी है। तुम अच्छे से पूरा 100% देखिए, आंखें बंद रख के रिलैक्स करेगी। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट कंप्लीटली। ब्रीद इन वंस अगेन एंड ब्रीद आउट। बिकम अवेयर ऑफ योर होल बॉडी, अपने पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाए। राइट फुट, राइट नी, राइट थाई एंड हिप एंड द होल राइट लेग। लेफ्ट फुट, लेफ्ट नी, लेफ्ट थाई एंड हिप एंड द होल लेफ्ट लेग। जेनाइटल्स, अब्डोमेन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बिकम अवेयर ऑफ योर टमी, अपने पेट के प्रति सजग हो जाए। चेस्ट, बिकम अवेयर ऑफ योर नेक, ब्रीद इन एंड एज यू ब्रीद आउट रिलैक्स योर होल बॉडी। बिकम अवेयर ऑफ योर फेस, नेक,
स्लोली कीपिंग योर आईज क्लोज यू मे टर्न टू योर राइट साइड, अपने दाएं बाजू करवट ले ले, आंखें बंद ही रखे, डू नॉट ओपन योर आईज, और आंखें बंद रखते हुए धीरे से उठ के बैठ जाए. यू मे स्लोली सिट अप, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट कंप्लीटली, ब्रीद इन वंस अगेन एंड ब्रीद आउट, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू मे ओपन योर आईज, धीरे से आके खोल सकते हैं. गुड, कैसा रहा एक्सपीरियंस? पुट इन द चैट, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का, चैट में डालिए. ऐसा हमारा योगा क्लास रहता है एवरी डे, हम थोड़ा ज़्यादा टाइम करते हैं योगा क्लास में रेगुलर, बट दिस इज हाउ इट इज सिंपल. वी स्टार्ट विद द प्राणायामा, वी डू सम आसनास, वी डू सम रिलैक्सेशन, वी डू सम गाइडेड मेडिटेशंस एज वेल सम डेज, फेस योगा करते हैं. सो वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. हाउ डू वी ज्वाइन द क्लास? वेरी गुड क्वेश्चन. कल मैं ग्रुप पे डालूंगा, ठीक है? सो यू कैन रजिस्टर फ्रॉम दैट लिंक. आई विल पुट इट ऑन द ग्रुप फ्रॉम टुमारो, ऑन टुमारो टुमारो, ठीक है? सुदर्शन क्रिया इस क्लास में नहीं सिखाई जाती है. सुदर्शन क्रिया का अलग आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स होता है, ठीक है? जो 9 तारीख से कोर्स हो रहा है उसके अंदर सिखाएंगे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. हमारे पास कुछ है 5 मिनट, तो विल डू द क्वेश्चन आंसर. कोई भी क्वेश्चन आपको योगा रिलेटेड, योगा के क्लासेस रिलेटेड, एवरीडे कुछ सिक्वेंस रिलेटेड, एनीथिंग, जो भी आपके क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, ठीक है? पुट इन द चैट, चैट में डाल दीजिए. जॉइंट पेन में क्या करें? जॉइंट पेन में क्या करें? सी, जॉइंट पेन इज बेसिकली वाता इम्बैलेंस. वो क्या रहता है आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर को पूछना पड़ेगा और डिटेल में जानने के लिए, ठीक है? तो उसके लिए दो चीज़ है. फर्स्ट, जो भी खाना वाता बढ़ाता है हमारे अंदर वो अवॉइड करें, ठीक है? अवॉइड सच फूड, बेसिकली मेनली कॉलीफ्लावर, फ्लावर के जो है ना, पत्ता गोभी, ठीक है, वो दोनों सब्जी अवॉइड करना, ठीक है, वो चीज़ करना. फिर चना दाल भी अवॉइड करना. सेकेंड चीज, यू कैन डू सम ऑयल मसाज योर बॉडी एवरी डे 30 मिनट्स बिफोर. एंड थर्ड थिंग, एवरी डे योगा आसनास करना. यू नो वाई? यू सी, अभी हम ये जो मूवमेंट है, ये दिन में आप कितने बार करते हो ये मूवमेंट, ये वाली मूवमेंट? नो, राइट? हार्डली, या फिर नहीं? सो वॉट हैपन्स वेन वी डोंट डू ऑल दिस मूवमेंट्स? ये तो एक हुई, वैसे कितने सारे मूवमेंट्स है. वेन वी डोंट डू ऑल दिस मूवमेंट्स, ऑल दिस गेट स्टिफ एंड देन जॉइंट पेन्स कम इन, देन प्रॉब्लम्स कम इन, डिसीजेस कम इन. इसलिए ना, जब योगा करते हो कभी आप रोज, तो आप बीमार बहुत कम पड़ोगे. यू नो लोग, आज सुबह के सेशन में किसी ने पूछा वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि सर आपका कहना सही है योगा करो, बट रोज 1 घंटा टाइम निकालना नहीं होता. आई गिव अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर, ठीक है? क्या है आंसर? कि देखो, आप कभी बीमार पड़ोगे तो जनरली 2 दिन तो बीमार होते ही है सभी लोग, यस और नो? होते ही 2 दिन. 2 दिन मीन्स हाउ मच टाइम? 48 आवर्स. 1 महीना हम योगा क्लास करते हैं, कितना टाइम होता है? 25 टू 30 आवर्स. तो कौन सा आपको टाइम इफेक्टिव कौन सा पड़ रहा है? योगा करना, राइट? आप बीमार भी नहीं पड़ोगे, योगा करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आपको ज्यादा लाइवली भी लगेगा, ठीक है? तो एंड सेकेंड चीज जो है, 2 दिन आप बीमार पड़ोगे, दवाइयाँ खाओगे, कभी हॉस्पिटल जाओगे, तो उसका खर्चा 2-3 हज़ार रुपये हो जाता है. योगा क्लास आप कोई भी ज्वाइन करो, उससे तो सस्ता ही पड़ेगा आपको, यस और नो? सो ऑलवेज प्रायोरिटाइज कि पहले से करना, ठीक है? सी, ब्रश करते हैं हम रोज, करते हो आप लोग ब्रश, यस नो? करते हो ना? तो प्रायोरिटाइज दिस थिंग. वैसे योगा भी रोज करो, ठीक है? घर पे मम्मी ने मार मार के ब्रश का आदत लगाया है, पर अभी खुद को थोड़ा सा विल पावर के साथ एक्सरसाइज करने का आदत लगाना, ठीक है? कैन वी डू रेगुलरली? यस, वी डू हैव अ रेगुलर क्लास. कल मैं डिटेल्स ग्रुप पे डालूंगा, तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है? और क्लास के टाइम पे भी डाल दूंगा, तो क्लास के टाइम पे ही रजिस्ट्रेशन कर देना. व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ईच आसनास? डिफरेंट फॉर ईच आसना, नॉट अ फिक्स ड्यूरेशन, कुछ नहीं रहता है, ठीक है? सर, आई एम ऑलरेडी लर्न सुदर्शन क्रिया, नाउ आई एम स्टूडेंट ऑफ 14 क्लास. वेरी गुड.
डेली डिफरेंट आसनास, यस यस, रोज डिफरेंट, कुछ कुछ आसनास सेम रहते हैं जो बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है और करना चाहिए, वो कुछ कुछ आसनास सेम रहते हैं, बट मैक्सिमम ऑफ द क्लास विल बी डिफरेंट एवरी डे, ठीक है, एवरी सिंगल डे, ठीक है। कैन वी गेट ऑनलाइन कंसल्टेशन आयुर्वेद नाड़ी परीक्षा? यस भूमिका जी, आप जो एडमिन है ना उस एडमिन नंबर को मैसेज कर देना, आपको डिटेल्स भेज देंगे, ठीक है। सर्विकल में क्या करें? एवरीडे योगा करो तो इश्यू जो है ना खत्म ही हो जाएगा, 1 महीने में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। टाइमिंग 6 to 7, नमाज टाइम एट 6:25, यू हैव टू मैनेज, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम रहता है, कोई भी एक टाइम मैनेज करना जुमना जी, ठीक है, इट विल हेल्प यू। देखना कैसे मैनेज हो सकता है, यू हैव टू सी, या फिर सी इंपॉर्टेंट क्या है ना, रोज थोड़ा करना, ठीक है। आप आधा घंटा भी करोगे ना आके, वैसे रजिस्टर तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा, बट इवन इफ यू कम फॉर हाफ एन आवर एंड डू इट, इट इज स्टिल गुड, स्टिल बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग, इजंट इट? तो उतना करो। रिप्लाई, ओके, या आई हैव ऑलरेडी लर्न ना, हाँ अच्छा है, आपने सीखा है ऑलरेडी, लर्न सही बात है, आप एवरीडे प्रैक्टिस करो सुदर्शन क्रिया। एग्जैक्ट टाइमिंग इज 6 to 7 AM एंड 6 to 7 PM। रमा जी वी के नॉट अनम्यूट, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, वे सभी लोग करेंगे, आप एडमिन को मैसेज कर देना, ठीक है। व्हाट इज द राइट टाइम टू डू योगा? प्रेफरेबली अर्ली अर्ली मॉर्निंग्स एंड इवनिंग, ठीक है, बट ठीक है, एम्प्टी स्टमक आप कभी भी कर सकते हो, प्रेफरेबली अवॉइड डूइंग इट लेट नाइट, लेट नाइट स्लीप योगा रहता है वो करना, ठीक है। डू वी हैव स्पेसिफिक बैच फॉर वेट लॉस? एवरी बैच इट हेल्प्स फॉर वेट लॉस। हमारे क्लास में अभी एक दो चार दिन पहले किसी ने एक्सपीरियंस शेयर किया, उनका पिछले 3 महीने में 9 किलो वेट कम हो गया, विच इज कंप्लीटली नेचुरली विदाउट फॉलोइंग एनी डाइट, नॉर्मल डाइट विद डूइंग योगा ओनली, ठीक है। संडे भी होगा, सैटरडे संडे भी होगा? नहीं, सैटरडे संडे हमारा हॉलीडे रहता है, मंडे टू फ्राइडे योगा क्लासेस होती है, ठीक है। आई एम स्टूडेंट ऑफ रूटीन सुदर्शन क्रिया, आई थिंक आई टूडे आई मिस दैट क्लास, इट इज ओके, ठीक है, आप खुद से कर लो सुदर्शन क्रिया, आज आपने सीखा ही है घर पे कैसे करना है, तो यू डू इट ऑन योर ओन, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स आफ्टर फूड शुड वी डू योगा? 2 to 3 आवर्स। नाश्ता किया है तो 1.5 घंटा, ठीक है, चलो ओके, सी यू ऑल टुमारो, कल मिलना, कल जरूर आना, और कल आने के बाद रजिस्ट्रेशन भी कर लेना एवरीडे योगा क्लास में, ठीक है, ओके, वेरी गुड, बाय बाय।